नाजरीन, आप तमाम का सच न्यूज़ में खैर मुकदम है। आइए एक और एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी जो हमेशा से ही आवाम के दरमियान में रहती है और क्या दिन क्या रात हमेशा आवाम की खिदमत को भी हम अपना नसीबुल ऐन बनाती है। ऐसी डायनेमिक शख्सियत जो अपने में अपने इलाके में बहुत ज़्यादा आवाम की चाहत के मौजी बनने वाली शख्सियत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारपोरेटर, आइए उनसे हम बात करते हैं। हन्नान भाई से आप जो है अपने इलाके में एक असर रखते हैं, आइए हन्नान भाई से बात करते हैं। कारपोरेटर कहाँ के? हन्नान भाई, आप ये बताइए कि हालिया अरसे में चूँकि आप तो बहुत ही बिजी रहते हैं, तो अब अभी अभी आप इंतखाबी मुहिम से जो वापस आए हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा तफसीला कि मुहिम आपकी कैसी रही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। सबसे पहले तो मैं सच न्यूज़ को मुबारकबादी देता हूँ, उसके चीफ एडिटर साहब शरफुद्दीन साहब को, मेरे साथी मेरे चाहने वाले जावी साहब को, मेरी दिल की गहराई में से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और क्योंकि समय एक मीडिया एक ऐसा पॉइंट है जमहूरियत के अंदर चौथा सुकून का नाम है मीडिया, ये बेबाकी के साथ आप लोग इसको इंशाल्लाह ताला आवामों के बीच रहकर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाबी देगा, मेरे भी तमाम एक तमन्नाएं आप लोगों के साथ रहेंगे। उसी के साथ साथ मैं शोलापुर का एक इंचार्ज के तौर पर मुझे भेजा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह 100-200 सीट है शोलापुर के अंदर, शोलापुर कारपोरेशन में, उसके अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 102 सीटों के 102 के अंदर 30 सीटों से जो है कंटेस्ट करवाई है अपने कैंडिडेट्स को, उसके अंदर 6 जो है दलित और ओबीसी कैंडिडेट्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत अच्छे नतायज आने के, आज ही इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है और हमको बहुत अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह शोलापुर के अंदर हम कम से कम 10 से 15 तक सीटें हम जीतने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों का मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से वाबस्तगी वहाँ पे जैसा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर मुसलमानों में और दलितों में जैसा मकबूल है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, शोलापुर शहर के अंदर शोलापुर के शहर के अतराफ के इलाकों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उसी अंदाज में बहुत मकबूल है। असद साहब हमारे सदर मोहतरम बैशर असदुद्दीन साहब को, अकबरुद्दीन साहब का बहुत दिलहाना इस्तकबाल करते हैं, जब कभी भी वहाँ पर सभाएँ ली जाती है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की, आपका बहुत पुरजोश से लाखों की तरह हज़ारों की तादाद में जो है वहाँ पर पब्लिक शरीक होकर जलसों को कामयाब बना दिए, यही एक आप लोगों के बीच कहने का जलसे कामयाब करने का ही एक सबूत है कि वहाँ की आवाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ किस जितना मोहब्बत रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी जो हालत अभी मतलब मैं अभी एक आधे घंटे से जब से सुबह से ही कंटिन्यू में टच में हूँ वहाँ के हमारे जितने उम्मीदवार हैं बहुत खुश है, मुबारकबादियाँ ले लेकर फिर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला देखते हैं 23 तारीख के दिन अल्लाह कितने कामयाब कराता है। हाँ भाई, अगर भाई यूपी के ताल्लुक से उस हवाले से अगर आपसे पूछूँ कि अब यूपी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के काफ़ी जो इंतखाबी मुहिम कामयाब होती दिख रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद बल्कि लाखों की तादाद के अंदर जो है ना लोग इन्हें हर बिला मजहब व मिलत जो है ना उसके अंदर शिरकत करें, तो यूपी के हवाले से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम को कितने सीट आ सकती है उसका कुछ अंदाज़ा या अभी तक जो रुझान पाए हैं उसके बारे में? सर मैं तो यूपी का भी, मैं वहाँ पर बहुत सारे मेरे साथी कारपोरेटर्स और बहुत सारे लोग मेरे साथी थे वहाँ पर भी हमेशा जो है तबादल अख्तियार होता रहता था कि वहाँ पे भी वहाँ की पॉलिसीज़ के ऊपर कैसा अपन अप्रोच बनाए, वहाँ पर हम लोग यहाँ और वहाँ के लिए हम लोग बात करते रहते थे। वहाँ पे जिस हिसाब से पॉलिटिकली अंदाज में बैरिस्टर रफी साहब ने एक अकेले तमाम जमातें बीजेपी कांग्रेस समाजवादी भाजपा हर इतने पार्टियाँ एक होकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से लड़ते हुए दिखे रहे। जो कोई भी लीडर बात करता है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वास्ते तनखीली बात करता है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन
यूपी के मुसलमानों के दिल में जगह बना चुकी है, इसीलिए आने वाले दिनों में यूपी के अंदर बेहतरीन हमारे नतायज आने वाले हैं, और नतायज के साथ साथ में यूपी के हर दिल अजीज एक नेता बन चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि वहाँ के लोग जिस तरीके से वहाँ पे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, उनकी सभा जिस श्रद्धा से हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में अवाम शिरकत कर जो वहाँ के सभाओं को कामयाब बना रहे हैं, यही एक सबूत है कि यूपी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत अच्छी शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। तो देखा हाजिरीन, आपने नुमाइंदा कारपोरेटर हन्नान भाई साहब जो एक बासर शख्सियत और खिदमत को अपना नसीब आइन और हर दम कोशिश करते हैं कि अवाम के दरमियान में रहे, और यकीन है ये ऐसी शख्सियत है जो हमेशा अवाम के दरमियान में भी रहती है। और जब इन हवाले से हम यूपी और महाराष्ट्र के हवाले से हन्नान साहब से जब कारपोरेटर नुमाइंदा कारपोरेटर से जब बात करें तो यही नतीजा अक्स होता है नाजरीन कि हिंदुस्तान का नेता कैसा हो, हिंदुस्तान का नेता कैसा हो, असदुद्दीन अवैसी जैसा हो। और यही बात खुलकर हमें सामने आती है। कैमरामैन समीर के साथ मोहम्मद जावेद।